कभी कभार ना गेम में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें होती है जिन्हें आपके लिए ब्रेक डाउन करके बताना भी मेरे लिए भी बहुत ज्यादा एंजॉय वाला काम हो जाता है, और कभी कभी कुछ ऐसे एपिक प्लेस बन जाते हैं जिन्हें मैं भी खुद एंजॉय करता हूँ एनालिसिस करते टाइम आपको दिखाने में। सो आज कुछ ऐसे ही एपिक प्ले के बारे में दिखाएंगे आप लोगों को, जहां पे ओजी इलीट के रोहित ने एक ब्रिलियंट प्ले बना के दिखाया। तो आज का एनालिसिस उनके ऊपर होगा, क्योंकि अभी एक रिसेंट टूर्नामेंट चला था जहां पे उन्होंने एक आई थिंक बहुत ही ऑसम प्ले निकाला एंड ऑसमली उन्होंने बुया कन्वर्ट किया, तो उसके ऊपर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, आप लोग नए हो मेरे चैनल पे तो ज्यादा वक्त जाया करते हैं, शुरू करते हैं आज का वीडियो। एज बंगालीज ना हम लोग कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं जहाँ पे ना हम हमें अगर को बहुत मजा आता है हम ना ऑसम साला बहुत ज्यादा बोलते हैं। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये जो फाइट था ना, ये ऑसम साला वाला फाइट था। एंड ये देखिए, ये सब चीजें फुल्ली कंटेंट क्रिएशन के लिए है, ये ऐसी चीजें हैं जो हम कास्टिंग के टाइम पे बोल नहीं सकते, क्योंकि काइंड ऑफ अ स्लैंग हो जाता है, ये बंगाली टाइप ऑफ स्लैंग जिसे हम मजे के लिए दोस्तों के बीच बहुत ज्यादा बोलते हैं, अरे भाई ऑसम साला, ऐसा वाला परफॉर्मेंस ऐसा। अब सिचुएशन में देखिए, आप लोगों को मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3 नंबर 10 के प्लेयर्स हैं, ये है ओजी इलीट, ठीक है। 3 नंबर 3 के प्लेयर्स ये है केमिन, 11 नंबर की टीम मोस्टली शायद आपकी, आप ये वाले मैप पे देखोगे तो ये TSM के प्लेयर्स हैं। तो ये चार टीमें अभी इस वक्त यहाँ पे मैप पे जिंदा है, ठीक है। तो मैं अभी ये वीडियो को प्ले करता हूँ, आप इस सिचुएशन को देखिए कि स्वास्तिक अपने टीममेट को बिठा के वो आगे निकल रहे हैं, RDP एक डिफरेंट डायरेक्शन में है, पहाड़ी एक डिफरेंट डायरेक्शन में है, RDP के पास यहाँ पे वुड पेकर है, पहाड़ी के पास भी मोस्टली एक लॉन्ग रेंज वेपन है, तनेजा और रोहित साथ में खेल रहे हैं क्योंकि उन्हें क्लोज रेंज संभालना है। अब तनेजा के पास एज यूजुअल ग्रेनेड लॉन्चर रहता है, क्योंकि वो हमेशा नेट के साथ प्ले बनाने में ज्यादा हेल्पफुल या फिर ज्यादा और कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस साइड से। अब देखिए डैमेज पड़ा, वो नेट जो गिरा ना बाइक के साथ मिशक एबिलिटी होते हुए भी डैमेज पड़ा क्योंकि स्पीड जो था कम था। अब रोहित जो है वो ग्रोजा के साथ स्वास्तिक एंड आनंद दोनों को नॉक आउट कर देते उस सिचुएशन में। ब्रिलियंट ब्रिलियंट प्ले कमिंग आउट फ्रॉम रोहित। रोहित पहले भी ऐसी चीजें कर चुके जब वो टोटल गेम में खेलते थे, इससे पहले वो 2B गेमर में भी ये सब चीजें कर चुके, आज वो फिर से ओजी इलीट के साथ ये चीजें करके दिखा रहे हैं। मतलब जिस बंदे के पास टैलेंट है ना, वो जिधर भी चले जाए वो खुद वहां पे आपको ऐसे तरीके की परफॉर्मेंस हर बार दिखाई देगा। अब विजिटो जो थे उन्होंने TSM का पोजीशन जो है रिवील कर दिया था, अब उन TSM के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो सर्कल का पोजीशन ले, क्योंकि देखिए मिनी मैप पे ना दिख रहा है, बहुत क्लियरली दिख रहा है कि सर्कल में नहीं है, सर्कल में बस एकमात्र टीम है वो है आपके ओजी इलीट। देखिए ये मिनी मैप पे आप ध्यान देंगे तो बहुत ज्यादा एजेस पे है, 11 नंबर की टीम में थोड़ा सा डिस्टेंस आप कह सकते हो कि 30 मीटर टाइप एक अजम्पशन में ले लेता हूं कि उन्हें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये वाले साइड वाले पे मैप पे देखिए कि आप दो ही टीम्स बचे हुए हैं, एक 4v3 सिचुएशन है, 4 प्लेयर्स हैं ओजी इलीट के पास और 3 प्लेयर्स हैं TSM के पास। अब डिसएडवांटेज क्या है TSM के पास कि ओजी के पास एक हाइट का एडवांटेज, ये जो रिच दिख रहा है आप लोगों को, ये रिच के नीचे उनको जाना है, ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि उनके पास वो रिच का एडवांटेज नहीं है, उनको थोड़ा मेन रूट की तरफ आगे बढ़ना है। अब इस चीज का फायदा ओजी इलीट बहुत ही ब्रिलियंटली उठा सकते हैं। अब TSM भी रिसेंट टाइम में बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट फॉर्म में रहे थे, अगर ये सर्कल TSM के पास होता तो TSM को हिलना नहीं पड़ता, फिर ओजी इलीट फंसते क्योंकि ओजी इलीट के प्लेस को आगे आना पड़ता, बट उसके बावजूद ओल्ड मॉन्क ने यहाँ पे एक नॉक एंड फिनिश निकाल के दिया जिसकी वजह से उन्हें एक एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में देखिए कौशिक मलिक अपने टीममेट को कंटिन्यूअसली हेल्प आउट कर रहे हैं, बाइक लेके RDP वहां से आ रहा है, बट रोहित ने फिर से एक और ओपनिंग निकाल के दिया। ये एक असॉल्टर के लिए बहुत जरूरी है अपने टीम के लिए आप ओपनिंग निकाल के दो, ताकि आपके जो सपोर्टर्स है, आपके जो रशर्स है अपफ्रंट, वो जाके आपके लिए डैमेज निकाल के दे दे। अब देखिए फिर से रोहित ने पेन को नॉकआउट किया, पेन ने तनेजा को फिर से डाउन किया, ओल्ड मॉक अकेला बचा हुआ है, बहुत ज्यादा मुश्किल है उसके लिए, सर्कल में है नहीं। अब RDP जो है बाइक लेके बहुत कंटिन्यूस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, RDP ने यहाँ पे ओल्ड मॉक को खत्म किया और बुया अपने नाम किया, ब्रिलियंटली डन। आई थिंक इसी तरीके का प्ले बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता बन जाता है प्लेयर्स के लिए, टीमों के लिए, जब आप आखिरी सर्कल में फाइट से लो, जब आपके सामने इतने सारे टीम्स हैं। पहले तो वहां पे केमिन को हराया एक रोहित ने, एक प्ले बनाया, तनेजा का ऑफकोर्स नेट था वहां पे, सपोर्ट मिला वहां पे तनेजा का, उसके बाद फिर से वहां पे एक ओपनिंग निकाल के दिया TSM के प्लेयर्स के लिए, TSM ने जहां पे ओल्ड मॉक ने पहले एक नॉक निकाल के दिया था तनेजा का पहले रिवाइव किया। तो ये जो छोटे छोटे प्लेज होते हैं ना गेम के अंदर, ये आपको बहुत ज्यादा आगे जाने में हेल्प कर देता है। आई थिंक ये वाला मोमेंट मेरे लिए बहुत ज्यादा ब्रिलियंट था, एंड आई थिंक जो सिंक बैठ रहा है ना इन प्लेयर्स में, रोहित, पहाड़ी, RDP एंड तनेजा, साथ में जो ये लोग खेल रहे हैं काफी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेस निकल के आ रहे हैं। कल ही आई थिंक किलर ने अपने इंस्टाग्राम के लाइव पे बोला था कि ओजी टूटा नहीं है, बट वो लोग जरूर से नए नए प्लेयर्स ट्राई आउट कर रहे हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि रोहित शायद इन फ्यूचर आपको यू नो साथ में खेलते हुए देखें,
ओरैंगउटान के, क्योंकि रोहित हम सबको पता है कि वो कितना ज्यादा पोटेंशियल होल्ड करते हैं, कितना टैलेंटेड वो प्लेयर है, एंड उनको अगर गेम में मौका मिला ना तो वो आपको ऐसे ही काइंड ऑफ परफॉर्मेंसेस दिखाएंगे। अभी तो उनका फिर भी एज छोटा है, बट जितना ज्यादा वो और खेलते जाएंगे टूर्नामेंट्स उतना ज्यादा वो मैच्योर होंगे, एंड वहीं पर ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। वही मैं बोलता हूँ ना कि एक अच्छा प्लेयर और एक एक्सेप्शनल प्लेयर बनने में वो जो फासला होता है वो प्लेयर को खुद करना पड़ता है, तब उस प्लेयर को गेम से ज्यादा गेम का सोच बदलना पड़ता है, एंड आई थिंक रोहित के पास वो सोच भर भर के है। एंड आई थिंक OG Elite का परफॉर्मेंस भी सडनली जो एक फ्लैट लाइन दिख रहा था ना वो सडनली थोड़ा सा ऊपर ग्राफ जा रहा है, तो हम लोग सब तो ऑफकोर्स वेट कर रहे हैं कि ये एक ऑफिशियल टूर्नामेंट आएगा एंड हम सबको ये टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देते हुए दिखेंगे ये सारे प्लेयर्स, तभी हमें एक क्लियर पिक्चर और अच्छा दिखने को मिलेगा कि यार कौन कितने पानी में है। सो यही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। होप कि आप लोगों को मजा आया हो या फिर एनालिसिस में और कुछ भी इंप्रूव कर सकते हो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोगों को रोहित का प्ले कैसा लगा वो भी जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यहीं पे वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे, आप लोग जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोगों से लेना चाहेंगे विदा, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, स्टे सेफ गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।